हाय, आज के टॉपिक हम लोग बात करते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन पे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। उससे रिलेटेड जो पहली क्वेश्चन जो हम लोग पहले टॉपिक लेके करेंगे वो क्या आएगा, रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन। यानी एक्सेस एप्लीकेशन होती है तो कंपनी रिजेक्ट करती है, उसके लिए क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके बात स्टार्ट करते हैं। गुड कंपनी लिमिटेड इन्वाइटेड अप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। द पेबल ₹3 ऑन अप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस वेन रिक्वायर्ड। 120,000 शेयर वेयर अप्लाइड फॉर, अप्लीकेशन वेयर एक्सेप्टेड फॉर 1 लाख शेयर एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग अप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंड, अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव ऑन 99,500 शेयर। अब हम इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज मेन चीजें हैं कि कंपनी ने ऑफर कितना किया है एप्लीकेशन के लिए। कंपनी ने ऑफर किया है कितने के लिए, 1 लाख। कंपनी ने ऑफर किया है 1 लाख शेयर। ओके, 1 लाख शेयर ऑफर की है। एक शेयर की प्राइस कितने की है, ₹10 की है, जो डिवाइडेड है कितने कितने रुपीस में, ₹3 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग कितना बचता है, ये 4। यानी ये हो गया आपका एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी कह रही कि कंपनी के पास आया कितना एप्लीकेशन है, टोटल एप्लीकेशन जो इतना रिसीव किया कंपनी ने, 1,20,000 एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिसीव। कंपनी को करना था 1 लाख शेयर, एक शेयर की प्राइस ₹10 है, ₹3 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव किया 1,20,000 एप्लीकेशन, जिसमें से कंपनी कह रही है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन थी उसको कंपनी क्या कर दी, रिजेक्ट कर देती है। यानी 20,000 शेयर ये क्या कर रही है कंपनी, रिफंड किया। तो कंपनी का बचा कितना, 1 लाख शेयर अलॉटेड। ओके, अब कंपनी कह रही है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला है, कितने शेयर पे पैसा मिला, 99,500 पे। तो पहली जो एंट्री कंपनी करेगी, जो कंपनी के पास एप्लीकेशन के अमाउंट आया था, तो फर्स्ट एंट्री क्या करेगी। एक और चीज, अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर या प्रिफरेंस शेयर, तो हमेशा किसका यूज करेंगे, इक्विटी शेयर का। तो फर्स्ट एंट्री जो हो जाएगी इसकी, वो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अब कंपनी के पास आया कितना शेयर था, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई थी 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू एप्लीकेशन कितने का था, 3। यानी कंपनी के पास जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना आ गया, 3,60,000। ओके, नेशन क्या हो गया, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, जब एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव किया तो अब क्या कर रही है, नेक्स्ट एंट्री क्या होएगा, इक्विटी शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर रही है, तो रिसीव किया था बैंक के थ्रू, तो वापस रिफंड किससे करेगी, बैंक से, तो टू बैंक। यहाँ पे सेम जितने अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट था उतना यहाँ पे डेबिट, 3,60,000। कैपिटल में कितना आएगा कंपनी का, 1 लाख इंटू 3,00,000 एंड बैंक में कंपनी के पास कितनी आएगी, कंपनी रिफंड कितना कर रही है, 20,000 इंटू 3,00,000
60,000. नेशन क्या हो गया? बीइंग. अब यहां तक एनी डाउट? बीइंग द एप्लीकेशन मनी मनी कहां ट्रांसफर कर रही है? कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर. एप्लीकेशन की मनी तो ट्रांसफर कर दी कहां? कैपिटल अकाउंट में. एंड एक्सेस मनी रिफंड एंड ये तो कंपनी की ड्यू होगी. अब कंपनी कह रही है कि अलॉटमेंट ड्यू किया है और अलॉटमेंट में कंपनी को कितने शेयर के लिए पैसा आया था? कंपनी को जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिली थी वो कितने शेयर पे था? 99,500 शेयर पे. 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला. ठीक, इसके बाद तब नेक्स्ट डेट क्या होती है? नेक्स्ट डेट क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने से? 1,00,000 इंटू 3,00,000 बीइंग द अलॉटमेंट मेंट मनी ड्यू बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू. ठीक है, एंड आउट. अब कंपनी ने अलॉटमेंट तो ड्यू कर लिया. अब इसके बाद कंपनी क्या कर रही है? जब रिसीव कर रही है तो इसमें इन्होंने बताया कि 99,500 शेयर के लिए आया था, लेकिन कंपनी के पास शेयर कितना ऑफर की थी? 1,00,000 के लिए. और रिसीव हुआ 99,500, यानी 500 शेयर का पैसा जो नहीं आया. सब लोग क्या करते हैं? कॉल इन एरियस. तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अब यहां पे बैंक में कितने से आएगी? 99,500 इंटू 3. कॉलिंग एरियस कितने का हो गया? 500 इंटू 3. और यहां पे कितने से आएगा? 1,00,000 इंटू 3. यहां पे आए 3,00,000. यहां पे 1,500 और यहां पे आ गया 2,98,500. ओके, अब बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रही है. रिसीव ऑन 99,500 शेयर्स. ओके, तो फिर से एक बार क्वेश्चन में देख लेते क्या क्या था. कि कंपनी ने ऑफर किया था 1,00,000 शेयर, जो एक शेयर प्राइस से 10 रुपीज, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग कॉल्स, यानी 4 रुपीज का. कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया 20,000 शेयर. कंपनी ने 20,000 शेयर को रिफंड किया तो कंपनी के पास कितने हुए? 1,00,000 शेयर. कंपनी कह रही है कि और कंपनी कह रही है कि अलॉटमेंट जो रिसीव हुआ था 99,500 शेयर में, तो उन्होंने फर्स्ट इंट क्या किया था? बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से? 1,20,000 इंटू 3,00,000 60,000.
ओके बींग द एप्लीकेशन मैंने रिसीव। सेकेंड क्या किया, इक्विटी से एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू बैंक। इक्विटी से एप्लीकेशन में तो 120,000 इंटू 3 किया, इक्विटी शेयर कैपिटल में 1,00,000 इंटू 3 एंड रिफंड में यानी बैंक में कितना किया 20,000 इंटू 3। अब कंपनी बींग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। अब नेक्स्ट एंट्री फिर क्या हो गई, उसके बाद अलॉटमेंट कर क्या, अलॉटमेंट ड्यू किया कितने शेयर पे 1,00,000 पे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 इंटू 3,00,000 और फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिनियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो बैंक में कितने शेयर जितने से कंपनी रिसीव किया 99,500 पे, कॉलिनेरियस में 500 एंड अलॉटमेंट में 1,00,000 से बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 99,500 शेयर। ओके अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक सब बात करेंगे वो प्रोवाटा बेसिस पे होगा। आपको ये चला गया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इनकेस अगर आपके कोई क्वेश्चन के कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चन सेंड कीजिए, उनका आंसर मैं सॉल्व करके भेजूंगा। ओके और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय।